लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कर आकाश तक व्याप्त अनेक रूप रंग आकार प्रकार के सजीव निर्जीव चित्र मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। मैं सृष्टि का प्रथम चितेरा प्रथम चित्रकार हूं। मैं ओंकार हूं। दक्ष कन्याओं से विवाह उपरांत चंद्रदेव ने रोहिणी के प्रति आकर्षण और शेष के प्रति विकर्षण प्रकट किया तो रोहिणी चिंतित हुई। उसकी सभी बहनों ने पिता दक्ष के समक्ष अपना दुख प्रकट किया। क्रोधित दक्ष चंद्र को प्रताड़ित करके रोहिणी को बलपूर्वक अपने साथ ले आते हैं, जहां उसकी बहनें तथा माता वीरणी और अधिक दुखी हो जाती हैं। चंद्र अपने अन्याय के लिए क्षमा मांगकर तुम सबको समान प्रेम देना स्वीकार नहीं करता। रोहिणी यहां से नहीं जाएगी। आप तो जानते हैं हमारी जमाता चंद्र कितने भावुक हैं।
जरा सोचिए तो, आपने उनके साथ जो किया उससे उनके हृदय को कितना आघात पहुंचा होगा। हम पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होगा महारानी। एक अन्यायी को उसके अन्याय का दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन महाराज, क्या हम इसके लिए शिव जी से सहायता नहीं? महारानी, ये हम बहुत सुन चुके हैं, किंतु हमारा निश्चय अटल है कि हम शिव से किसी प्रकार की सहायता मांगने नहीं जाएंगे। तो फिर आप अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर विनती कीजिए कि वे स्वयं शिव जी के पास जाकर अपनी पौत्रियों को दुर्भाग्य की छाया से बचाएं। इन कन्याओं के पितामह होने के नाते उनका भी कुछ कर्तव्य है। ठीक है महारानी, तुम्हारी इस बात पर हम अवश्य विचार करेंगे। माते, रो मत बेटी, रो मत। मुझे विश्वास है परमपिता ब्रह्मा अवश्य कोई ना कोई मार्ग निकालेंगे। रो मत मेरी पुत्री, रो मत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परमपिता, आंखें खोलिए, हम आपसे कुछ कहने आए हैं। आओ पुत्रदर्श, तुम क्या बात है? मुझे आश्चर्य हो रहा है परमपिता, सृष्टि के रचनाकार होते हुए भी आपको शिव की आराधना करने की आवश्यकता हुई। इसमें आश्चर्य कैसा पुत्रदर्श? शिव महादेव देवों के देव हैं, उनकी आराधना करना तो संसार के प्राणी मात्र का कर्तव्य है। ये उपदेश आप मुझे नहीं किसी और को दीजिए परमपिता। मैं आपके शिव शंकर के स्वरूप से भली भांति परिचित हूँ। हम इस विषय में विवाद के इच्छुक नहीं है। बताओ, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? मैं देख रहा हूँ परमपिता, शिव से संबंधित हर व्यक्ति हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है, हमारी शांति भंग कर रहा है। हम समझे नहीं, तुम किस व्यक्ति की बात कर रहे हो? अपने जामाता अत्रि अनुसुईया के पुत्र चंद्र की, जो शिव के अति प्रिय है। क्या किया है चंद्र? चंद्र ने हमारी कन्याओं के साथ छल किया है परमपिता, उन्हें दुख पहुंचा है। इस बात की जानकारी हमें है। अपनी नक्षत्र कन्याओं का चंद्र से विवाह करने से पहले तुमने हमसे तो परामर्श नहीं लिया। हमें पता था कि चंद्र रोहिणी के समान किसी अन्य से प्रेम नहीं कर सकता, यही विधि का विधान है। परमपिता, विधि का विधान तो यह भी था कि हमारी 27 की 27 कन्याएं चंद्र की पत्नियां बने, और उसी के अनुसार हमने सभी कन्याएं चंद्र को सौंप दी। अब जो हो चुका है उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तुम बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? परमपिता, हम चाहते हैं कि आप हमारी कन्याओं को अर्थात अपनी पोत्रियों को सुखी करने का कोई मार्ग निकालें। अपने आराध्य शिव से कहकर चंद्र को समझाएं कि वो अपनी सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम करे। ये हमारे वश में नहीं है, बस किसी के मन की भावनाओं को बलपूर्वक परिवर्तित करना न हमेश है न भगवान शिव है। भलाई इसी में है कि तुम अपनी सभी कन्याओं को चंद्र के पास भेजो। चंद्र को अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हम दक्ष प्रजापति हैं परमपिता, एक बार जो कन्याएं पति ग्रह से लौट आई हैं उन्हें बिना इच्छा पुनः भेजना और चंद्र से दया की भीख मांगना हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। चंद्र को हमारे आदेश के आगे झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा परमपिता। ऐसा सोचकर तुम अनर्थ को आमंत्रण दे रहे हो दक्ष। हम तुम्हें सावधान करते हैं, तुम चंद्र पर बलपूर्वक अपना अधिकार थोपने की चेष्टा मत करना। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण है। ओम नमः शिवाय। दक्ष, नारायण नारायण। भ्राता दक्ष, आप पृथ्वी का अपना राज्य छोड़कर यहां कहां भटक रहे हैं? देवर्षि नारद, चंद्र को अपना जामाता बनाने का दंड भुगत रहा हूं। नारायण नारायण, अर्थात चंद्र देव ने आपको कष्ट पहुंचाया, परंतु चंद्र देव तो बेचारे
सुंदर, शीतल और प्रेम से भरे हैं। वे आपको कष्ट कैसे पहुंचा सकते हैं? देवऋषि, चंद्र की प्रशंसा सुन हमारा क्रोध जाग उठता है। आप कोई और बात कीजिए। भ्राता, जैसी आपकी इच्छा, परंतु आपकी समस्या क्या है? देवऋषि, ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको मेरी समस्या का पता ना हो। चंद्र ने रोहिणी के कारण मेरी 26 पुत्रियों को उपेक्षित कर दिया है और ये बात पूरे संसार में फैल चुकी है। और आप तो घर घर का हाल जानते हैं। नारायण नारायण, मैं आपसे असत्य नहीं कहूंगा भ्राता दक्ष। मैं जानता सब कुछ हूँ, परंतु आपके इस व्यवहार से प्रसन्न नहीं हूँ। अपनी पुत्रियों के पति के साथ क्या कोई ऐसा रूखा व्यवहार करता है? उन्हें तो प्यार से मनाना चाहिए। अर्थात आप भी उसी का पक्ष ले रहे हैं देवऋषि? तो ये भी जान लीजिए कि यदि चंद्र चुपचाप अपनी पत्नियों को अपने साथ ले जाकर क्षमा मांग लेगा तो हम भी उसे क्षमा कर देंगे, अन्यथा परिणाम अनिष्ट होगा। जाकर कह दीजिए चंद्र से। नारायण नारायण, धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो। चंद्र और दक्ष प्रजापति की बुद्धि विपरीत करने में जगत कल्याण का मार्ग अवश्य छुपा हुआ होगा। आपकी लीला आप ही जाने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चंद्र नमः शिवाय। चंद्र ओम नमः शिवाय। बेटा चंद्र ओम नमः शिवाय। चंद्र नमः शिवाय। बेटा चंद्र ओम नमः शिवाय। कहाँ है तू चंद्र? ओम नमः शिवाय। चंद्र तो चला गया देवी, मैंने उसे बहुतेरा रोका किंतु उसे रोक पाना संभव नहीं था। रोहिणी के जाने से चंद्र के मन को आघात लगा है, उसे यहाँ से नहीं जाने देना था। मुझे तो लक्षण कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे देवी अनसुईया। दक्ष का रूप, चंद्र का विषाद, लगता है कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। ऐसा अशुभ न बोलिए स्वामी। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हमारा चंद्र इस संकट से सकुशल निकल आए। अब तो भगवान शिव शंकर का ही आसरा है। चलो देवी, हम दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अर्धांगनी की अपेक्षा भक्त के प्रति भगवान को विशेष सचेत रहना पड़ता है। नारायण नारायण। प्रभु, आपने इस भक्त को प्रसन्न करने के लिए देवी सती को कुंठित कर दिया। कुंठित? मैं? कदापि नहीं। कभी कभी थोड़ी बहुत उलाहने, थोड़े हास्य, थोड़े परिहास, इन्हीं से तो पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है ना प्रभु? तुम्हारा मंतव्य है कि प्रेम के विस्तार के लिए मैं भी ये सब करूं? देवी सती, आपको तो प्रतिक्षण भगवान शिव के निकट रहने का सुख प्राप्त है, परंतु हम भक्तों को भगवान शिव के एक क्षण भी दर्शन हो जाए तो हम धन्य होकर चले जाते हैं। नारद जी, कहीं आपको मुझसे ईर्ष्या तो नहीं हो रही? नारायण नारायण नारायण,
देवी सती, ये कैसे हो सकता है? मैं बाल ब्रह्मचारी अवश्य हूँ, परंतु मैं विवाह संस्था भी मानता हूँ। पति पत्नी को एक दूसरे के नैकट्य का सुख अति आवश्यक है। यदि यही अप्राप्त रह जाए तो बड़े दुख की बात है। आपके निश्वास कुछ संकेत कर रही है देवर्षि, स्पष्ट करिए आपके कहने का तात्पर्य क्या है? यही कि आपकी बहन रोहिणी और उनके पति चंद्र का एक दूसरे के प्रति अति प्रेम और नैकट्य सुख आपकी अन्य बहनों के लिए दुख का कारण बन गया है। देवी सती, आपके माता पिता भी अत्यधिक चिंतित है। हे भगवान शिव शंकर, देवी सती की बहनों के कष्ट के निवारण हेतु कुछ तो उपाय कीजिए। किसी को सुख तो किसी को दुख, ये उचित नहीं। प्रभु प्रभु, आप बोलते क्यों नहीं? इतना तो बताइए कि सुख दुख मिश्रित कथा का अंतिम चरण क्या है? सुख और दुख दोनों ही जीवन में कन्या के लिए उसी प्रकार आवश्यक हैं, जैसे स्वाद के लिए नमक और शर्करा। जिस कथा की चर्चा तुम कर रहे हो उसे तनिक आगे तो बढ़ने दो और उसका अंतिम चरण आने तक प्रतीक्षा करो। कैलाश पर देवाधिदेव भगवान शंकर के समक्ष देवर्षि नारद ने माता सती से चंद्र का रोहिणी के प्रति आकर्षण व अन्य पत्नियों के प्रति विकर्षण का उल्लेख किया। माता सती बहनों की चिंता में निमग्न हो गई। उधर अर्धरात्रि में रोहिणी अपनी शैया पर बैठी चंद्र की स्मृति में व्याकुल है। ये मुझे क्या हो गया है प्रभु? क्या मेरा जीवन उद्देश्यहीन हो गया है? क्या चंद्र मुझे कभी प्राप्त नहीं होगा? क्या चंद्र मेरी सुध ही नहीं लेगा? मुझे स्वयं नहीं ज्ञात कि मैं कैसी विपदा में आन पड़ी हूं। हे परमेश्वर, मेरा जीवन क्या निरर्थक है? नहीं नहीं, मेरा जीवन निरर्थक नहीं हो सकता। मैं इस जीवन को ऐसे ही व्यतीत नहीं करूंगी। मुझे अपने जीवन के बारे में सोचना होगा, सोचना होगा मुझे। मैं अपने चंद्र के बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। हे भगवान, तुम्हें यदि सृष्टि रचना करनी ही थी तो मानव क्यों बनाया? और यदि मानव ही बनाना था तो उसे हृदय क्यों दिया? और यदि उसे हृदय देना ही था प्रभु तो उसमें प्रेम क्यों समोया? ये मेरी सोच से परे है प्रभु। मैं आज तक इसका कारण नहीं जान पाई। मुझ पर कृपा करो प्रभु, मेरे चंद से मुझे शीघ्र मिला दो, मिला दो प्रभु। रोहिणी, जिस पति को प्राप्त करने के लिए हमने इतनी पूजा और अर्चना की, उसी ने जब हमें ठुकरा दिया तो हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। ये भी सत्य है कि तीर खाए पंछी की तरह छटपटाते हुए जब हमने पिता के समक्ष कहा कि चंद्र रोहिणी के कारण हमें उपेक्षित कर रहा है तो हमें ठीक नहीं लगा। हम तो विरह में विचलित थे ही, तेरा सुख भी पिता के क्रोध ने छीन लिया। जो कुछ भी हुआ अश्विनी बहन, ठीक ही हुआ। यदि हम सब बहनें बचपन से सुख में भागीदार रही हैं तो दुख में भी हमारा समान भाग होना चाहिए। मैं सत्य कहती हूँ बहनों, स्वामी के पास होते हुए भी मैं हर क्षण यही सोचा करती थी कि तुम लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अश्विनी, हम बहनें तो हैं किंतु उससे पहले हम नारी हैं, और यदि नारी ही नारी की पीड़ा नहीं समझेगी तो फिर कौन समझेगा? हो सके तो मुझ पर विश्वास करो और मुझे स्वयं से अलग मत समझो। बस करो रोहिणी, अब इस तरह से अपने मन को और मत दुखाओ। होगा वही जो भगवान को स्वीकार होगा। अब तुम विश्राम करो बहन। हाँ रोहिणी, आओ चले। Thank you.
स्वामी आप चलो मेरे साथ चंद्रमहल चलो। नहीं स्वामी, जब तक आप अपनी अन्य पत्नियों को उनका अधिकार नहीं दे देते मैं यही रहूंगी। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ प्रिय, केवल तुमसे, और तुम्हारे अतिरिक्त ये चंद्र किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता। तो फिर आप मुझे भी भूल जाइए स्वामी, मुझे आपके विरह की अग्नि में जलना स्वीकार है, किंतु अपनी ही बहनों का सुख सौभाग्य छीन लेने वाली नीच स्त्री का कलंक लेकर मैं जीना नहीं चाहती। आप तुरंत यहाँ से चले जाइए स्वामी। तुम्हारे बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। चंद्र जो दूसरों को शीतलता बांटता फिरता है, आज स्वयं तुम्हारी विरह की अग्नि में दहक रहा है। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा रोहिणी। नहीं स्वामी नहीं, नहीं नाथ नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, अनिष्ट हो जाएगा। आप मेरे पिताश्री के क्रोध से अवगत नहीं, यदि उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो न जाने क्या होगा। मुझे छोड़ दीजिए स्वामी, छोड़ दीजिए। चंद्र, तेरी ये उदंडता, नीच पापी, छोड़ दे मेरी पुत्री को। ये मेरी पत्नी है और अब आपका इस पर कोई अधिकार नहीं। पत्नियां तो यहाँ तुम्हारी और भी हैं, ले जाना है तो सभी को ले जाओ। विवाह मात्र शरीर के साथ फेरों से नहीं, मन के वरण करने से होता है, और मैंने मात्र आपकी इसी पुत्री को मन से भरा है। चलो रोहिणी। ये हट छोड़ दे चंद्र, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। नहीं पिताश्री, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। तो कह अपने इस पापी पति से तुझे तत्काल छोड़ के यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरे क्रोध की ज्वाला इसे भस्म कर देगी। चंद्र अपनी रोहिणी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। यदि ये तेरी हट है तो सुन, अपने जिस पौरुष और सुदर्शन व्यक्तित्व पर तू फूला फूला फिरता है, उसे क्षय रोग नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। ये मेरा श्राप है। स्वामी, 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 कुछ बोलिए।